मेरा प्यार भरा परिणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता बिज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से शहर देहरादून से। तो दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और सभी बहनों के लिए मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज सुबह सुबह हो चुकी हूँ मैं रेडी, तो अभी मैं सबसे पहले करूंगी अपने घर में पूजा। और पूजा करने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार की ड्रेस पहनी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ये सूट डाला हुआ है मैंने, और शाम को पहनूंगी साड़ी। अभी फिलहाल सूती में पूजा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले घर में कर लेती हूँ पूजा, और पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग की शुरुआत भी कर लूँ, तो पूजा के साथ साथ ब्लॉग की शुरुआत भी होती है। और देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है। तो आप लोग ब्लॉग में यूं ही बने रहना। तो मैं आज आपको करवा चौथ का दिखाऊंगी कि हम लोग करवा चौथ पे क्या क्या करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ कि मैं करवा चौथ के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, वो सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेके आई हूँ कुछ डिब्बे चूड़ियों के, जो कि सबको देने होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में सबको देने पड़ते हैं। तो मैं चूड़ियाँ लाई हूँ, कुछ बॉक्स लाई हूँ सिंदूर के, तो इसी सब तरीके से चूड़ी बिंदियाँ भी लेके आई हूँ। और लेके आई हूँ पायल, ये भी देने के लिए है। ये तीन जोड़े पायल मैंने ला के रखे हुए हैं। और बाकी से पतिदेव के लिए मैं देती हूँ हर साल एक हैंकी, और प्लस उसमें देती हूँ कपड़े। तो कपड़े इसमें रखे हुए हैं जो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। तो ये हैंकी है, और एक देती हूँ मैं सूखा गोला हैंकी के साथ पूजा के टाइम पे, तो ये भी लेके आई हूँ मैं। और बाकी से लेके आई हूँ मैं कपड़े, जो कि कपड़े मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये देखिए, कुछ साड़ियाँ लेके आई हूँ जो कि मुझे देनी है। और तो इसी तरीके की वो लेके आई हूँ, सिंदूर है, बिंदी है, सभी चीज़ इसमें है। तो इसको रख देंगे सबसे पहले हम पूजा घर में। और इनकी भी पूजा होती है, पूजा करने के बाद जब शाम की पूजा होगी उसके बाद शाम को या कल मैं ये सारी चीज़ें जिसके लिए लेके आई हूँ उन सब के लिए दे दूंगी। बाकी से पहले करते हैं पूजा, और इन चीज़ों को रख देते हैं पूजा घर में, क्योंकि इन चीज़ों की भी पूजा होती है, उसके बाद ही दिया जाता है। तो दोस्तों, पूजा की तैयारी मेरी हो चुकी है, कुछ इस तरीके से हुई है। यहाँ मैंने करवा चौथ की तस्वीर भी रख ली है, कुछ इस तरीके से दिए हुए रख लिए हैं। और ये जलाया हुआ है मैंने करवा चौथ का दिया, घी का दिया मैं जलाती हूँ। और ये शाम को चंद्रमा के लिए रखा हुआ है, तो इसको जलाएंगे अंदर में, और इसको शाम को ले जाएंगे चंद्रमा के लिए। तो मेरे ये दो दिए जलेंगे, और ये तो डेली जलता है अखंड दीप। तो ये करवा चौथ का ये वाला दिया, कुछ इस तरीके से मैंने सारे सामान रख दिए हैं। तो फिलहाल कर लेते हैं पूजा पाठ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको पूजा पाठ करने के बाद। तो दोस्तों, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया, और पूजा पाठ करने के बाद अब लगाएंगे पायल चूड़ियाँ, क्योंकि हाथ बिल्कुल अभी खाली है। और मेहंदी कुछ इस तरीके से रची हुई है मेरी, ऐसी मेहंदी मैंने लगाई थी। और ये मेहंदी लगाई है निशा ने, और ये दोनों तरफ निशा ने ये मेहंदी लगाई है। तो मेहंदी भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो अब पहन लेते हैं चूड़ियाँ और पायल। ये मैंने पायल भी रखे हुए हैं, ये है पायल, और यहाँ पे रखी हुई है चूड़ियाँ। तो चूड़ी पायल भी पहन के रेडी हो जाते हैं। नेल पेंट भी मैंने लगा दिया है, और बिछुए लाई थी ये वाले, तो ये बिछुए भी मैंने पहन लिए हैं। ये भी मैं करवा चौथ के लिए ही लेके आई थी नए, तो ये पहन लिए हैं। तो इस तरीके से सब चीज़ पहन के रेडी हो जाते हैं। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास। तो दोस्तों, ये चूड़ियाँ लेके आई थी मैं बद्रीनाथ से, और ये है लाख की चूड़ियाँ। तो फिलहाल सूट में इन चूड़ियों को डाल लेते हैं। ये देखिए, लाख की चूड़ियाँ काफ़ी कच्ची होती है, तो संभल के डालना पड़ता है इनको, वरना टूटने का डर रहता है। पर अच्छी भी होती है, सही बात कहा उन्होंने, अच्छी भी होती है और अच्छी भी लगती है, है ना? ग्लिटर, क्या चीज? ग्लिटर। क्या ग्लिटर? शाइन कर रही हो।
तब कह रहा हूँ। अच्छा ये वो नहीं है रे। तो दोस्तों चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली है, कुछ इस तरीके की लग रही है मेरी चूड़ियाँ। और अब पहन लेती हूँ पायल, और ये है पायल, क्योंकि ये दिन सारा कुछ नया पहनना होता है, जरूरी भी नहीं है, सब अपना अपना नियम है, अपने अपने तरीके से करते हैं। तो पायल तो मेरी नई नहीं है, पायल पुरानी है, लेकिन कभी कभार पहनती हूँ मैं इस पायल को, क्योंकि भारी है तो पहनी नहीं जाती है। अब बाकी से बिच्छू तो मैं हर साल बदलती हूँ करवा चौथ में, और चूड़ियाँ भी बदलनी ही होती है। और कुछ इस तरीके की पायल है मेरी। तो अभी पूजा और मैं जा रहे हैं मंदिर, सरस्वती विहार वाले मंदिर। तो घर में पूजा पाठ करने के बाद अब मंदिर भी दर्शन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग हर साल जाते हैं। और पहले क्या होता था, हम सब लोग ग्रुप में जाते, भाग गए हैं वहाँ मंदिर अलग अलग। तो हम दो दीदी है, बस मैं और पूजा बचे हुए हैं, तो हम दो भी जा रहे हैं। रेखा को कॉल किया तो रेखा भी शॉपिंग करने जा रही, करवाले ने अभी जा रखी रेखा, रेखा का शॉपिंग छूट गया था, तो रेखा गई भी है शॉपिंग करने। और राखी और रोशनी ने आज हमको धोखा दिया, जो तो अच्छा नहीं होगा, वही तो उन्होंने एक कॉल नहीं किया, बताया मैं से उठ रही, आप अभी कर, नहीं नहीं मैं तो सुबह से इंतजार कर रही, कोई तो फोन करे, किसी ने किया तो मैंने ही सबको फोन घुमाया, तो पता चला कि राखी और रोशनी तो जाके आ गए। अब पूजा और मैं जा रहे हैं, ममता बिचारी तो जाने वाली नहीं है, तो हम होके आ जाते हैं मंदिर, क्यों जाना तो है ही आपने। और पूजा कुछ इस लुक में आज देखो, बिल्कुल साड़ी में, ये देखिए ऐसा लुक है पूजा का आज, अच्छी लग रही है। ब्लाउज भी बहुत अच्छा लग रहा है, डीप कलर है ना, अच्छा लग रहा है। इसी के साथ का ब्लाउज है क्या? पर्पल शेड है ना? नहीं नहीं है, इसी के साथ का, ये तूने मैच कर इसी के साथ। हाँ अच्छा लग रहा है, हल्की फुल्की साड़ी है ये, अच्छी होती है, बहुत हल्की है, क्योंकि हमसे तो संभाली जाती है, नहीं तो हमको चाहिए हल्की फुल्की। तो पहुंच चुके हैं हम मंदिर में, और लगता है मंदिर बंद हो गया है, क्योंकि हमारा तो कोई टाइम नहीं है मंदिर आने का, और मंदिर हो गया है बंद। ये देखिए मंदिर में लग चुका है ताला, बाहर से करेंगे दर्शन, क्योंकि मंदिर हो चुका है बंद, टाइम हो चुका है 12:30 करीब हो गया, तो हम गलत टाइम पे आए हैं, थोड़ी देर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं मंदिर में। और उधर पे है माता रानी का, तो माता रानी का मंदिर भी बंद हो चुका है, और पूजा बैठ रहे हैं यहाँ पे आराम से। हेलो, हाँ सुनो, तो राजू की मम्मी भी आ चुकी है हमारी तरह लेट, लती भी ये भी है, हम ही नहीं है, हम ही नहीं। मैं लेट हूँ। हाँ बुला के ला, चाबी ले जा। इधर बाजू की मम्मी गई है मंदिर की चाबी मांगने के लिए, और उन्होंने लेके आ रहे हैं अभी चाबी, तो लगता है दर्शन हो ही जाएंगे। और मंदिर खुल चुका है हमारे लिए, तो फिलहाल पानी भी चढ़ा लेंगे और दर्शन भी कर लेंगे। दोस्तों दर्शन वर्शन भी हो चुके हैं, अब निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 2:00। हाँ 2:00 तो हम मंदिर भगवान जी को परेशान करने आए हैं, वही तो, ऐसे तो भगते हैं। कोई बात नहीं, भजो की मम्मी थी तो हमारे जैसे कलाकार का ही है, अभी तो और आ रहे होंगे लोग, वही तो अभी और आएंगे लोग, पर मंदिर खुल गया था, दर्शन हो गए थे, वही बहुत है, क्यों वही काफी। अभी हम पहुंच चुके हैं रोशनी के यहाँ पे, और रोशनी के यहाँ आने का कारण ये है कि रोशनी आज कर रही है करवा चौथ के व्रत का उद्यापन, है ना, करवा चौथ के व्रत का उद्यापन कर रही, मैंने कहा कर दिया, किस तरीके से कर रही है देखने हम आ रखे हैं, आधा दिन का व्रत होता है, आधा दिन का व्रत रखा, अच्छा उद्यापन होता है, मंदिर में गए पंडित जी को दक्षिणा दुक्षिणा दे दी, पूजा प्रसाद सिंगार का सामान पंडित इनको दे दिया, बाकी जो मैंने प्रसाद बना रखा था वो चढ़ा करके अभी खाए ने, पर अब खाना वाना पूरा खा करके उद्यापन आधे दिन का होता है, मेहंदी मेहंदी तो सब कुछ लगाई है, करो तो किसे लगाई है, एना ने लगाई है ये मेहंदी, राखी करती है ना, को टाइम नहीं, रात 12:00 लगूंगा रहे, मैं तो पूजा के भी थी, 9:00 तेरा पूजा घर अंदर है ना, पूजा घर में दिखा जरा,
तो रोशनी के पूजा घर में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है कि कल को हम लोग भी उद्यापन करें तो हम लोगों को भी पता चले कि उद्यापन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लाइट जला, रोशनी इतने लोटे रखना पड़ते है। और ये है रोशनी का पूजा घर, ये है और ये रखा हुआ है रोशनी ने। इस तरीके से उद्यापन किया जाता है। बता भाई जैसे क्या क्या करना पड़ता है, कल को कोई करे तो समझ तो आए लोगों को कि किस प्रकार से करते हैं। मैंने लिए 14 लोटे, वैसे बर्तन देते हैं, बर्तन में तुम कुछ भी भर के दो। हाँ। तो मुझे लगा लोटा ये है कि यूजफुल चीज है। हाँ। तो मैंने ये लिया, कम से कम पानी का अंदर याद आ रही हमको रोशनी दी हुई। सही बात है, कटोरा देती, गिलास देती, वो सिंगल होना था, देना चीज सिंगल ही थी, तो मेरे को लगा लोटा देना चाहिए और उसमें दक्षिणा बहुत जरूरी है, तो मैंने दक्षिणा भी बना के रखा है, 14 औरतों को देना है। अच्छा, बाकी से मैंने सिंगार का सामान रख रखा है, वही चूड़ी बिंदी वगैरह, वो तो चूड़ी बिंदी मेहंदी वगैरह है ना, ये सारी चीजें। हाँ, ये प्रसाद भी बना के रख रखा है, ये प्रसाद भी दूंगी मैं, ये भी फॉइल में पैक कर रखा है। अच्छा, फॉइल में पैक हो गया, इसलिए कि चींटियां बहुत घूम रही हैं। और इधर सब कुछ रखा हुआ है श्रृंगार का, तो ये और ये चीज कुछ जैसे साड़ी ईद होती, जो तुम्हारे घर में बड़ा बुजुर्ग है, सुहागन है, तो मेरी तो सास ससुर है बाबा की दया से, तो मैं अपने सास ससुर को साड़ी, मतलब अपने लाइफ के अकॉर्डिंग तुम जो भी दे सकते हो, तो मैंने उनके लिए भी रखा, कपड़े रखे हुए हैं सास ससुर दोनों के लिए, तो मैं अपने सास ससुर को दूंगी, बड़े वही है और भगवान की जैसे आशीर्वाद भी है, समझो सब चीज बड़े है तो नहीं है। और बाकी लोगों के लिए श्रृंगार और लोटे, श्रृंगार लोटे, और लोटों में क्या भर रखा है, चावल, चावल। तो इस तरीके से किया जाता है करवा चौथ के उद्यापन। तो रोशनी ने तो करा, रोशनी तेरे मन में ऐसे भाव क्यों आए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कई लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि क्या पतिदेव ने तो नहीं कहा, तो उससे पहले मैं ही पूछ देती हूँ, क्यों भाई पूजा, पतिदेव ने नहीं कहा कुछ, तो? नहीं था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं बीमार हूँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये था कि आज कभी हुआ, ये मेरा रिसेंटली नवरात्रों से, ये दूसरा की तीसरे नवरात्र, अभी मैं तय छूना होते फोन पर, देखो कितना टाइम हुआ करवा चौथ का व्रत रखे हुए, 10-11 साल हो गया, 10-11 साल तक रखा मैंने, तो उसके बाद वही पता नहीं मेरे दिमाग में आज कल ही ये चीज आया कि मुझे उद्यापन करना है, हो सकता माता रानी ने कहा, नवरात्रों की बात है भाई, उससे पहले कोई मतलब ही नहीं था, फिर मुझे लगा कि कर देना चाहिए, जो दिमाग में घूम रहा है तो वो घूमता रहेगा हमेशा, तो घूमा कैसे, कि उद्यापन कुछ तो और चीज आई होगी तेरे उसमें, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है, रीजन नहीं है कि इस वजह से मैं कर रही, कि मैं शारीरिक बीमार हूँ, मानसिक रूप से बीमार हूँ, या पति के तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, बस मेरा उद्यापन करना है, होता है ना व्रत के बाद उद्यापन करना है, तो मैंने जल्दी कर दिया, तो ये मैं सक्षम हूँ सब चीज में, पर नहीं हो मेरा ये आया कि तो लोग ये ना समझे कि उद्यापन मतलब कि जबरदस्ती है, कितने से कब, जब जिसके मन में ऐसा है कि उद्यापन करना चाहिए तो उद्यापन कर देना चाहिए, है ना, किसी भी व्रत में ये बाध्यता नहीं है कि तुम जिंदगी भर घसीटो, कई बार कई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार है आदमी है, भाई मैंने उठार खा निर्जला है, नॉर्मल व्रत है, ये भी नॉर्मल व्रत है, उसको नॉर्मली लोग नॉर्मली उद्यापन भी कर सकते हैं, ऑप्शन है इसमें, कई लोग स्वागत हम खाने, ऐसा कुछ नहीं, सब देवी माता की कृपा है, उस देवी को हम करवा रूप में भी पूज रहे हैं और दुर्गा रूप में भी पूज रहे हैं, काली रूप में भी पूज रहे हैं, नहीं है वो देवी माता है, सही बात, ऐसा कुछ नहीं, वो मन का बहन है, जो जैसा तो तेरे को इस बार फिर बोल ही देते हैं, हैप्पी करवा चौथ सभी माताओं और बहनों को भी, हैप्पी करवा चौथ है ना। आज हम इतने अच्छे टाइम पे आए और व्रत भी है, और व्रत के साथ साथ हम टाइम भी इतना अच्छा है कि हमको प्रसाद मिल रहा है, पूजा, और मैं भाग्यशाली समझ रहे हैं अपने को, क्यों भाई मैंने कहा शगुन मिल रहा है, क्यों शगुन मिल रहा है, वो कह रही देना है, हमने कहा भाई पूजा बोल रहे क्यों नहीं देना है, पूछ है। तो अब रोशनी हमको दे रही है अपने उद्यापन का प्रसाद, और सबसे पहला प्रसाद रोशनी पूजा और मैं लेके जा रहे हैं, तो ये है प्रसाद, करवा माता की दक्षिणा भी मिल रहा है, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, और ये मिल चुका है हमको लिफाफा, सभी लोगों को करना चाहती है, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों प्रसाद भी हमने ले लिया है, और पहला प्रसाद हमको ऐसा मिला है जो कि उद्यापन का जो
पहला होता है तो पहला प्रसाद लिया हमने, इससे पहले जिसने भी उद्यापन किया होगा वो प्रसाद हमने आज तक नहीं लिया है। बाकी तो हम करवा चौथ में व्रत लेते हैं तो एक दूसरे को जरूर प्रसाद देते हैं, पूरा श्रृंगार देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा फर्स्ट है, तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीजें लेकर के, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय करवा माता, जय करवा माता।